एवरी वन, वेलकम टू टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेकर आए हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उन महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जिन लोगों की डिलीवरी बहुत पास है या डिलीवरी कुछ टाइम भी है तो भी उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। डिलीवरी के टाइम पर जो आपके प्राइवेट पार्ट में चीरा लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, किस सिचुएशन में लगाया जाता है और किन महिलाओं को लगाया जाता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार आप वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को देखते देखते ही, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट। आपको पता ही है कि डिलीवरी के टाइम पर प्राइवेट पार्ट में जो चीरा लगाया जाता है उस बात को सोच सोच के बहुत सारी महिलाएं अपनी तबीयत खराब कर लेती हैं, बहुत घबराने लग जाती हैं, क्योंकि वैसे तो महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि एक मदरहुड का जो आशीर्वाद भगवान से मिला है वो इसलिए मिला है कि वुमेन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। बट जब एक कट लगता है या एक छिलने कटने की बात सोच सोच के भी एक घबराहट होने लगती है, ये एक वुमेन्स में ये नेचुरली होता है कि कट लगा या हल्का सा जल गया उस पर बहुत ज़्यादा मतलब वो सेंसिटिव हो जाती हैं। तो सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ये बात सोच सोच के कि उनकी अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होने वाली होती है वही आप सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि क्यों चीरा लगाया जाता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंस क्या है आपके और आपके बच्चे। फ्रेंड्स, जिन महिलाओं के बेबी का वेट एक एवरेज वेट से ज़्यादा होता है तो उन महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में कट लगाया जाता है, क्योंकि बच्चा का वेट ज़्यादा है, आप पुश लगा रहे हैं, बच्चा भी पुश लगा रहा है बट फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, तो बच्चे को आसानी से बाहर निकाला जा सके, बच्चा बाहर आसानी से आ पाए, इसलिए जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट पार्ट में कट लगा देते हैं। वहीं दूसरी सिचुएशन होती है कि अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो भी ये कट नॉर्मली लगता ही है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में भी जो मसल्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं उनको मिल पाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा खिंचाव आने के बाद भी क्या होता है कि अगर जब लेबर पेन आ रहा है, आप बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पर जो आपकी पैल्विक एरिया की जो मसल्स है बहुत ज़्यादा उनमें खिंचाव आ जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा खिंचाव आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पुश लगा रहे हैं उसके बाद भी बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है तो उस केसेस में क्या होता है कि आपकी मसल्स में ब्लड आने के चांसेस हो जाते हैं, इस वजह से डॉक्टर वहाँ पे कट लगाते हैं ताकि बच्चे को आसानी से बाहर निकाला जा सके। वहीं तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो लेबर पेन है वो काफ़ी देर काफ़ी लंबा हो गया है और बच्चा मतलब बाहर ही नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में भी बच्चे को जो है उसको ईजी बनाने के लिए वहाँ पर कट लगाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। इस कंडीशन में जो डॉक्टर है आपको एक मतलब आर्टिफिशियल एनेस्थीसिया आपको देते हैं, एनेस्थीसिया तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है वहाँ के जो आसपास का एरिया बिल्कुल सुन्न हो जाता है, आपको कुछ पता नहीं चलता है कि आपको कट लगा है या नहीं लगा है। बहुत सारी महिलाएं ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि प्राइवेट पार्ट में कट लगने का मतलब है कि वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो मुझे एनेस्थीसिया भी नहीं दिया गया था, आप उतने पेन में होते हैं, आप इतना पुश लगा रहे होते हैं उस टाइम पर, तो आपको जो वहाँ पर कट लगाया था उसका बिल्कुल एहसास नहीं होता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है बर्थ के टाइम पे लेबर के टाइम पर वो कोई भी नहीं बता सकता, अनप्रेडिक्टेबल रहती है, क्योंकि बच्चे की पोजीशन कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर आपको इंड्यूस पेन दे रहे हैं, बच्चे की पोजीशन बर्थ पोजीशन में नहीं आ पाती है, तो उस सिचुएशन में भी आपको जो प्राइवेट पार्ट में कट लगाया जाता है कि पोजीशन आड़ी तिरछी होती है या बिल्कुल सफेली के बर्थ पोजीशन में नहीं आती है और बच्चा आगे नीचे खिसक गया है और जो बच्चे ने अपना जो सर है वो मतलब आपकी जो सर्विक्स में फिक्स हो गया है और बच्चा आने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी बच्चे को बाहर आसानी से निकाला जाए इसलिए कट लगाया जाता है। तो ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, कोई डरने वाली या कोई घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कुछ सिचुएशंस होती है जिनमें प्राइवेट पार्ट में कट लगाया जाता है और मैं इसके लिए आपको जल्दी ही वीडियो लेके आने वाली हूँ कि आप अपने जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अपने स्टेजेस की कैसे केयर करें। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।